हाय एंड नमस्कार टू माय चैनल. आज हम लोग बनाने वाले हैं शाही पनीर. एंड ये वीडियो मैं बना रही हूँ हिंदी में बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच आने वाला है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, वांट टू टॉक अबाउट इट लिटिल बिट एंड वांट टू मेक शाही पनीर. एंजॉय इट, आई होप इट्स गो वेल. तो शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज. मैंने दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज के. मैंने दो टमाटर लिए हैं वो भी मीडियम साइज के. हाफ चिली ली है, हम लोग ज्यादा चिली खाते नहीं है. ये मैंने हल्दी ली है. हल्दी ये फ्रेश हल्दी है, आप नॉर्मल हल्दी ले सकते हैं. ये जिंजर है, गार्लिक है और मैंने लिया क्रीम जो कि डबल क्रीम है. और आप दूध भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास क्रीम नहीं है, पर क्रीम यूज करेंगे तो अच्छा स्वाद आएगा. और मैंने दो इलायची ली है और एक दालचीनी ली है. और मैं आज यूज कर रही हूँ ये फील्ड प्लम टमाटो. दीज आर तीन वन बट दे गिव रियली नाइस फ्लेवर. तो ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में. जो कलर आता है खाने का वो बहुत ही सुंदर आता है, आप देखेंगे. और मैं थोड़े से कैशो यूज कर रही हूँ. तो ये कैशो जो है अच्छा फ्लेवर देता है और थिक बनाता है ग्रेवी को, तो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ. और ये है गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर हम लोग यूज करेंगे. और नमक स्वाद अनुसार. And we're gonna use little bit of oil and oil. So let's. तो ये हमने pan heat पे रख दिया है, गर्म हो गया almost. बस wait कर रहे हैं. थोड़ा सा oil डालेंगे, आपके ऊपर है आप कितना oil खाते हैं. हम थोड़ा ही खाते हैं तो थोड़ा सा डालेंगे. अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे oil जब गर्म हो जाए. सो अब हम अपनी दो इलायची डाल देंगे. हम दालचीनी अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में जब दोबारा करेंगे तब डालेंगे. जिंजर गार्लिक डाल देंगे, अपनी हल्दी डाल देंगे और अपनी मिर्च डाल देंगे. इसको थोड़ा सा भून लेंगे. अब आप देखेंगे तो ये हमारा जिंजर गार्लिक और ये सब थोड़ा सा भून गया है. मतलब आई थिंक 2 to 3 seconds, नॉट टू मच, 3 सेकेंड के लिए बस. उसके बाद हम डाल देंगे प्याज. प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक थोड़ी सी गोल्डन हो जाए. तो अब हमारी प्याज जो है वो क्रिस्पी हो गई है, ब्राउन हो गई है. अब हम लोग टमाटर डाल देंगे. और ये जो मेरा प्लम तीन टमाटो है मैं वो भी डाल लूंगी. देखो कैसे ऊपर होगा. पेस्ट बन गया है सब कुछ. अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि हम इसको पेस्ट बना लेंगे मिक्सी में. ये काजू भी इस मिक्सी में पीस लेंगे. मसाला ठंडा हो गया, थोड़ा सा गर्म है, अब इसे पीस लेंगे. तो मैंने पैन दोबारा से रख लिया है, हल्का सा क्लीन करके. अब उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे. तेल गर्म होने का वेट करेंगे. तेल गरम हो गया, हल्का सा जीरा डाल देंगे, बहुत ज़रा सा क्योंकि ऑलरेडी जीरा है मसाले में. ये दालचीनी का टुकड़ा डाल लेंगे और अपना पिसा हुआ मसाला डाल देंगे. तो इस मसाले में काजू और हमारा सारा भुना हुआ जितना भी मसाला था वो सब कुछ है. पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डाल लेंगे. और मिक्स कर लेंगे अच्छे से. अब हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं. बहुत से लोग इसमें चीनी भी डालते हैं लेकिन इसमें
काजू और क्रीम जाएगी तो इसमें चीनी की जरूरत नहीं है। और पनीर बना लीजिए। ये जो कलर है वो फूल कलर Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Aur namaskar. Bye.